जैसा आपने देखा कि 2 दिन पहले एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसने एक हेटफुल पोस्ट जो है वो अपलोड की थी अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पे। इसके खिलाफ़ कुछ लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट की थी और उसी कंप्लेंट के चलते हुए हमने इसको आइडेंटिफाई किया और डिटेन किया। डिटेन करने के साथ ही हमने इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पेश किया और इसको जुडिशल कस्टडी में अभी डिस्ट्रिक्ट जेल भदरवा में लॉज किया है। सर, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कौन से सेक्टर में काम करता था? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसका नाम अमरीक सिंह है, ये भ्योली का रहने वाला था और अभी इसकी जो प्रेजेंटली पोस्टिंग है इसकी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा में है। तो तो सर, जी, सर इस तरह के कितने इंसिडेंट अभी तक आपने फाइल किए हैं? इस 2022 में भी हमने 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया और FIRs भी हमने रजिस्टर की हैं। आपके माध्यम से मेरे लोगों से अपील है कि किसी भी इंसान को अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, किसी के इंडिविजुअल के खिलाफ और किसी कम्युनिटी या रिलीजन या कास्ट के खिलाफ कुछ भी अपलोड करने की इजाज़त नहीं है, जिससे कुछ आपसी रंजिश पैदा हो सके और ये हेटफुल स्पीच हो या पोस्ट हो या राइटिंग में लिखे या वीडियो या फोटोग्राफ चढ़ाए, किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये गैर कानूनी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मेरी आप लोग सभी लोगों से अपील है जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं कि वो ऐसी कोई कार्रवाई ना करें जिस जो कानून की नज़र में जो कानूनी जुर्म है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे जो ऐसी हरकत करेगा। सर, अभी आपको क्या लगता है कितना खतरनाक है इस तरह के सोशल मीडिया पे कमेंट्स करना या और कुछ इस तरह का सोशल मीडिया का मिसयूज करना? जैसे आपको पता है आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे आती है और लोग एक्टिव हैं, हर एक इंसान जो है, चाहे आप डोडा का ले लो, रियासत का ले लो या कहीं का भी ले लो, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तो इस किस्म की जो हेटफुल स्पीचेस हो, हेटफुल पोस्ट हो, वीडियो हो, ऑब्जेक्शनेबल फोटोग्राफ्स हो, कोई भी डालेगा सोशल मीडिया पे तो वो पूरी सोसाइटी में फैल जाता है। उससे सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है और हम किसी को भी ऐसी चीज़ करने की इजाज़त नहीं दे सकते जिससे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में नुक्से अमन हो और हमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो। तो उसके चलते हुए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि ऐसी कोई भी पोस्ट वो ना अपलोड करें जिससे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का जो अमन अमान है उसको खतरा हो। सर, हमने देखा है कि बहुत सारे यूथ को मिस गाइड किया जाता है, वो भी सोशल मीडिया के ही जरिए। उस पर भी आप निगरानी रख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया सेल बनाया है, हमारी पूरी निगरानी है, हम हर पोस्ट पे नज़र रखते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ अपलोड करता है उसके खिलाफ़ हम कार्रवाई करते हैं, उनकी काउंसलिंग भी करते हैं और उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी लेते हैं। तो मेरी अपील है यूथ से भी और लोगों से भी कि यूथ को भी ना ख़राब करें और कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जिससे कोई ऑफेंस होता हो, ऐसी कोई भी पोस्ट अपलोड ना करें।